साथियों, हमारा ये कार निकोबार, ये पूरा समुद्री क्षेत्र, देश, ये मलक्का स्ट्रेट संसाधन और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक प्रमुख शिपिंग चैनल है। ये मालवाहक जहाजों के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त रास्ता है। इसको ध्यान रखते हुए यहां ट्रांसपोर्टेशन के माध्यमों का भी विकास किया जा रहा है। इससे आप सभी को सुविधा भी मिलेगी और रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। भाइयों और बहनों, देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आधारशिला आज रखी गई है। इस परियोजना से खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में नए उद्यमों के लिए अवसर बनेंगे। इसी के साथ साथ सागर माला योजना के तहत देश भर के समुद्री तटों को विकसित करने की, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बड़ी योजना चल रही है। इस योजना के तहत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। देश भर में 14 कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स यानी CEZs का विकास आने वाले समय में देश के समुद्री किनारे के आसपास होना है। साथियों, सागरमाला योजना के तहत कार निकोबार में भी केबल बे के में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से केबल बे जेटी का विस्तार करीब 150 किलोमीटर तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ मूस जेटी की गहराई बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई गई है, ताकि यहां बड़े जहाजों को रुकने में मुश्किल ना हो। भाइयों और बहनों, आने वाले समय में यहां हवाई सेवाओं की बेहतर कनेक्टिविटी की तरफ भी सरकार काम कर रही है। सरकार आप सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, आपका जीवन आसान करने के लिए प्रयासरत है।